नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। अभी तक की हर बड़ी खबर के साथ हम हैं हाजिर। हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक विदेशी विमान में बम की खबर से अर्पिता जी 45 मिनट तक भारतीय आसमान में हड़कंप मचा रहा। बिल्कुल सही जी, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। साथ ही साथ ये खबर जैसा सही जी बता रहे हैं ये तो रहेगी ही, इसके अलावा आपको बताएंगे कि देश कैसे अपना दम दिखा रहा है, आत्मनिर्भर रनवे पर कैसे स्वदेशी विमान ने उड़ान भरी है, विस्तार से होगी इस पर भी बात आगे न्यूज रूम में। राजीव। थैंक यू अर्पिता। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राजीव ढौंडियाल। आपको उत्तर प्रदेश के भदोही भी लिए चलेंगे, जहाँ पर तमाम लोग दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे हुए थे, लेकिन अचानक वहां पर आग लग जाती है और 64 से ज्यादा लोग झुलसे हुए हैं, 5 लोगों की मौत हो गई। पूरी की पूरी खबर विस्तार से आगे आपको दिखाएंगे। शुभांकर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर और हम आपको दिखाएंगे पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में कैसे एक बार फिर तहलका मच गया है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद एक और सिंगर है अल्फाज, जिनके ऊपर हमला हुआ ऐसा कहा गया शुरुआत में। हालांकि कई पहेलियां जो है इस खबर में जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस खबर पर हम जाएं उससे पहले दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण तस्वीर है। एक तस्वीर है ईरानी विमान की, जिसको लेकर लाहौर एटीसी से खबर आती है, दिल्ली एटीसी पहुंचती है, कहा जाता है विमान में बम है, उसके बाद ये प्लेन चीन की तरफ रवाना होता है। और दूसरी तरफ आज आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा कदम, एक लड़ाकू विमान, देसी दमखम। और ये दो तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एयरफोर्स में शामिल हुए हैं, राजनाथ सिंह ने यहां पर उड़ान भरी है। दो तस्वीरें वायुसेना को लेकर इन दोनों खबरों पर भी हमारी नजर बनी है। तो लाइट एयरक्राफ्ट जो है उनका दमखम आज देखने को मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उड़ान भरी है और एक बड़ा संदेश से जी कि चीते की चाल, बास की नजर और रडार से बचते हुए दुश्मन को बाखबर करती हुई आज ये खबर। बिल्कुल, ये बहुत शानदार खबर है। हमारी शक्ति वायुसेना की शक्ति की खबर है, लेकिन हमारे आसमान में 45 मिनट तक हड़कंप मचा रहा। तेहरान यानी कि ईरान की राजधानी से चीन के ग्वांगझू जा रहे एक विमान में बम की खबर आई। दिल्ली लैंडिंग की इजाजत मांगी गई, जयपुर लैंड करने के लिए कहा गया और ये कराची एटीएस से ये सूचना आई। हड़कंप मचा रहा, क्या हुआ? हालांकि अब यह विमान हमारी भारतीय वायुसेना की सीमा से बाहर निकल चुका है। ईरानी प्लेन में बम से हड़कंप। दिल्ली में मंडराता रहा विमान, एक्शन में दो दो सुखोई विमान। ईरान पाक चीन तक हलचल। सुबह 9:20 यही वो वक्त था जब ईरान के तेहरान से चीन के ग्वांगझू के लिए उड़ान भरने वाला महान एयरलाइंस का विमान भारत के ऊपर मंडरा रहा था और बम का अलर्ट था। खबर मिलते ही भारत में हड़कंप मच गया। एयरफोर्स से लेकर दिल्ली पुलिस तक हरकत में आ गई। एयरफोर्स ने दो दो सुखोई लड़ाकू विमान को चीनी विमान के पीछे लगा दिया। विमान दिल्ली पर मंडराता रहा और बम की खबर से तमाम एजेंसियों के होश उड़ते रहे। लाहौर एटीसी ने तकरीबन 9:20 पर दिल्ली एटीसी को ये जानकारी दी। जो ये फ्लाइट थी महान, जो तेहरान से चाइना के ग्वांगझू शहर जा रही थी, कि इसमें बम अटैक हो सकता है, पॉसिबल अटैक की जानकारी दी। उसके बाद जो पायलट है उसने दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की बात कही। दिल्ली में पूरी तैयारी हो चुकी थी। उसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्स के जो दो सुखोई विमान है वो बकायदा उड़ते हैं और ये क्लियर किया जाता है कि जो विमान है उसमें बम नहीं है। विमान में बम की जानकारी सबसे पहले लाहौर एटीसी ने दिल्ली एटीसी को दी। खतरे के साथ विमान को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अलर्ट भी किया। दिल्ली एटीसी ने फौरन चीनी विमान के पायलट से बात की, विमान को जयपुर और चंडीगढ़ में लैंडिंग के लिए कहा। दिल्ली एटीसी ने इसकी सूचना दिल्ली पुलिस के साथ साथ तमाम एजेंसियों को दे दी। बम की खबर से ईरान चीन से लेकर भारत पाकिस्तान तक हड़कंप मच गया। विमान को जयपुर या चंडीगढ़ में लैंडिंग कराने की तैयारी होने लगी, तो किसी भी इमरजेंसी के लिए दो दो सुखोई लड़ाकू विमान ने भी जोधपुर और पंजाब से उड़ान भरी। जो फ्लाइट का पायलट है वो अब स्टैंड लेता है, वो खुद कॉल लेता है कि हो सकता है कि ये हॉक्स कॉल हो। और जिस तरह से क्लियरिटी मिली इंडियन एयर स्पेस से, उसके बाद उसने खुद स्टैंड लिया कि अब इस विमान को चाइना के ग्वांगझू शहर
वहीं जाना था, वहां पर लेकर जाना है। विमान जब दिल्ली के ऊपर 45 मिनट तक मंडराता रहा, तभी राहत भरी खबर आई। विमान में बम की खबर फर्जी निकली, फिर तो हर किसी ने राहत की सांस ली। ये राहत की खबर मिलते ही महान एयरलाइंस के पायलट ने जयपुर या चंडीगढ़ लैंडिंग का फैसला बदल दिया और विमान को सीधे ग्वांजू ले जाने का फैसला किया। मनजीत नेगी, अभिषेक भल्ला के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अर्पिता जी, ये इसलिए बहुत ज़्यादा गंभीर था क्योंकि लाहौर एटीसी से ये खबर आई और क्योंकि भारतीय वायुसेना हमारी वायु क्षेत्र में ये विमान था, तो लेकिन अब संतुष्टि ये ही हमारे देश की सीमा से बाहर हो गया है। बिल्कुल, लेकिन इससे इस बीच किस तरीके के बयान, क्योंकि खतरे कई जताए जा रहे थे, बयान क्या एयरफोर्स की तरफ से आया वो भी हम आपको जरा बताएंगे। जरा ये बयान, 3 अक्टूबर 2022 एक ईरानी विमान में बम होने की खबर मिली, वायुसेना की तरफ से बयान आया। जब ये विमान भारतीय वायुसेना से गुजरा तो हमारे विमान ने इसकी सुरक्षित दूरी से निगरानी की, विमान को जयपुर या चंडीगढ़ उतरने के लिए कहा गया, ये विकल्प दिया गया, लेकिन पायलट ने इससे मना कर दिया। बाद में ये फैसला लिया गया, तेहरान से विमान में बम की अफवाह का खंडन किया गया, यानी बाद में ये खबरें आई कि ऐसा जो खबर चल रही है कि बम था, वो बम उसमें नहीं था। इसके बाद विमान तय रूट पर आगे बढ़ गया, रूट इसका चीन था, यानी चीन इसको पहुंचना था गंतव्य, और रूट मैप क्या है वो भी आपको जल्दी से दिखाएं। देखिए, तेहरान से इसने अपनी उड़ान भरी, दिल्ली पहुंचने तक खबर आती है कि प्लेन में बम है, लेकिन उसके बाद दिल्ली में इजाजत मांग रहा था लैंड करने का, दिल्ली में इजाजत नहीं दी गई, विकल्प के तौर पर जयपुर और चंडीगढ़ दिया गया, जिसके लिए पायलट ने इनकार कर दिया। उसके बाद खबर ये आई कि तेहरान से ये बताया गया, ये खबर आई कि इसमें बम नहीं है, और उसके बाद वो चीन की तरफ रवाना हो गया। तेहरान से चाइना के लिए डेस्टिन थी फ्लाइट IRN 081, और बीच में ही इसको शायद कोई सस्पिशन रहा होगा कि भाई देर इज ए बॉम्ब स्केयर, तो उसके लिए फिर हमें अलर्ट पे रखा गया कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ गड़बड़ होती है तो हमें अपने स्टैंड बाई पोजिशन को सुदृढ़ करना पड़ा और हमें अपनी गाड़ियों को पोजिशन करना पड़ा था। तो पहले खबर आती है कि प्लेन के अंदर बम है, इजाजत दिल्ली की चाहिए होती है, लेकिन विकल्प के तौर पर जब जयपुर और चंडीगढ़ बताया जाता है तो पायलट राजीव वहां पर इनकार कर देता है लैंड करने से, और खबर आ जाती है कि प्लेन में बम है ही नहीं और वो चीन की तरफ रवाना।